Hey guys, welcome to Riddle Bhai. आज मैं अपनी पेंटिंग साफ कर रहा हूँ. And I'm trying to help. Help कैसी? सेम पेंटिंग को साफ कर रहे हो. किसी दूसरी पेंटिंग को साफ करो तभी हेल्प होगी. ये पेंटिंग मेरी फेवरेट है ना भाई, इसलिए इसको साफ कर रहा हूँ. अच्छा भाई, क्यों है फेवरेट, ये भी तो पता चलना चाहिए. ये मेरी फेवरेट पेंटिंग इसलिए है क्योंकि ये विंसेंट वैन गो ने बनाई थी. एंड विंसेंट वैन गो इज माय फेवरेट आर्टिस्ट. यस गाइस, मैंने ये पेंटिंग विंसेंट वैन गो की पेंटिंग स्टारी नाइट से इंस्पिरेशन लेके बनाई थी. चलो एक और चीज दिखाता हूँ. वाओ, ये तो बिल्कुल ओरिजिनल जैसी लग रही है. दो स्टारी नाइट्स बनाई है आपने मतलब? हाँ, वैन गो ने ये पेंटिंग अपने हॉस्पिटल स्टे के दौरान बनाई थी. पर वो हॉस्पिटल में क्यों थे? क्योंकि उनको डिप्रेशन हुआ था. अच्छा प्रसिद्ध, ये बताओ ये पेंटिंग कितनी पुरानी है? ये तो आपने एक साल पहले बनाई थी. ओहो, विंसेंट वैन गो की ओरिजिनल पेंटिंग. 100 इयर्स? वेरी क्लोज. विंसेंट वैन गो ने स्टारी नाइट्स 140 इयर्स अगो बनाई थी, यानी 1889 में. और अब ये पेंटिंग म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में है. ये वाली? ये तो यहाँ पड़ी है. मतलब ये वाली नहीं, विंसेंट वैन गो की ओरिजिनल पेंटिंग. आई विश मैं भी न्यूयॉर्क जाके म्यूजियम में ओरिजिनल पेंटिंग देख सकूं. विंसेंट वैन गो एक डच पेंटर थे और उनकी ये खास बात थी कि वो जो भी देखते थे वो बनाते थे. पर स्टारी नाइट्स उन्होंने अपने इमेजिनेशन से बनाई थी. उनके विंडो से ऐसा कोई व्यू नहीं था जो उन्होंने स्टारी नाइट्स में पेंट किया है. वो वाली जो पेंटिंग है ना, वो भी विंसेंट वैन गो की है. इसका नाम है व्हीटफील्ड क्रोज. इसकी ओरिजिनल पेंटिंग एम्स्टरडैम के वैन गो म्यूजियम में है. आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट. चलो हम आपको एक और फेमस आर्टिस्ट के बारे में बताते हैं. एंड हिज नेम इज लियोनार्डो दा विंची. आई एम श्योर आपने दा विंची का नाम सुना होगा. अगर नहीं सुना सो लेट मी टेल यू दैट ही इज द पेंटर हु मेड मोना लिसा. अब मोना लिसा का तो नाम फॉर श्योर सुना होगा. मोना लिसा की पेंटिंग बहुत फेमस है और जब लोग उसे देखते हैं तो लोग सोचते हैं कि दे आर बीइंग वॉच्ड, यानी कि पेंटिंग उन्हें देख रही है. ऑफ कोर्स पेंटिंग देख नहीं सकती है, पर पेंटर ने पेंट करते हुए इल्यूजन बनाया इसलिए ऐसा लगता है. मोना लिसा इज आल्सो फेमस फॉर हर स्माइल. और कहते हैं कि जब दा विंची पेंटिंग बना रहे थे तब अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस वर कंटिन्यूअसली प्लेइंग म्यूजिक टू कीप हिम हैप्पी. In case you want to see the original Mona Lisa painting, then you will have to go to Paris. ये वहाँ के Louvre Museum में रखी है. भाई, आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप Mona Lisa बनाने की try करो. Okay, I'll try. That's it for today, guys. Thank you for watching. Bye.